मंडी के अपर पटेल मैदान में हिमाचल प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा ओपन अंडर 14 राज्य स्तरीय बास्केट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के टेक्निकल चेयरमैन खुशीराम गर्ग ने बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ मंडी जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन नितिन गुप्ता के द्वारा किया गया है। मंडी के अपर पडल मैदान में हिमाचल प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा ओपन अंडर 14 राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के टेक्निकल चेयरमैन खुशीराम गर्ग ने बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ मंडी जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन नितिन गुप्ता के द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में राज्य भर की 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों को न केवल नेशनल लेवल की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा बल्कि उन्हें एक मंच भी प्रदान होगा। मैं चेयरमैन हिमाचल प्रदेश टेक्निकल कमीशन बास्केटबॉल एसोसिएशन, मेरे साथ में हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री अजय सिंह जी, हिमाचल बास्केटबॉल के जनरल सेक्रेटरी, हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री नितिन गुप्ता जी, चेयरमैन मंडी डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन है। 31वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल सब जूनियर चैंपियनशिप में जो कि पडल में हमारे यहाँ शुरू हुई है, उसमें लड़कों और लड़कियों के वर्ग में 14 टीमें जो हिस्सा ले रही हैं। ये टूर्नामेंट जो है 3 दिन तक चलेगा, ये लीग बेसिस पे चलेगा। सभी टीमें जो है 4 टीमों में बांटी गई है। तो बजाय इसके कि वो एक मैच खेल के बाहर चले जाए, हमने लीग पे लीग का नॉकआउट रखा हुआ है सिस्टम, उसमें जो है ये पहले अपने पूल में लीग खेलेंगे, उसमें जो टीमें जीतेंगी सेमीफाइनल और फाइनल में वो जो है नॉकआउट सिस्टम होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है हमारे हिमाचल बास्केटबॉल एसोसिएशन का कि हमने ये टूर्नामेंट जो है 2 दिवस के लिए 3 दिवस ही किया है, और ये मंडी डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ी उपलब्धि है ये जो है इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। और मंडी डिस्ट्रिक्ट हमेशा ही हमारे बास्केटबॉल संघ का एक बहुत ही अच्छा संगठन है जो कि हर साल 1 या 2 टूर्नामेंट जो है संपन्न कराता है। मैं पुनः मंडी डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन का, हिमाचल प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन का आभारी हूँ कि इन्होंने हमें ये मौका दिया है कि मंडी डिस्ट्रिक्ट को। तो मैं पुनः क्या उद्देश्य रहता है इस यहाँ इस चैंपियनशिप में जो है हमारे जो चयनित खिलाड़ी हैं वो नेशनल की जो हमारे चैंपियनशिप पूरी सा कटक में होने जा रही है, उन खिलाड़ियों को चयन किया जाएगा। 10 दिन के कोचिंग कैंप के बाद वो जो है कटक के लिए यहाँ से रवाना होगी और हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर में प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है।